मैं हूं इमरान अली शाह, देख रहे हैं MM न्यूज़ टीवी। तबलीगी जमात की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमा की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये इज्तिमा इस बार कोरोना SOPs के बायस दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यूँ तो लाखों अफराद इस इज्तिमा में हर साल शिरकत करते हैं और फैज़याब होते हैं, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs के बायस इस दफ़ा 50,000 एक हिस्से में शिरकत करेंगे और 50,000 जो है ज़ायरीन दूसरे हिस्से में शिरकत करेंगे। पहला हिस्सा 4 तारीख को शुरू होगा, 4 फरवरी से 6 फरवरी तक, और दूसरा हिस्सा 6 फरवरी की सुबह तक, जबकि दूसरा हिस्सा 6 फरवरी की शाम से शुरू होगा और 8 फरवरी तक जारी रहेगा। इस तरह से ये इज्तिमा मुकम्मल होगा। क्या तैयारी हो रही है और किस तरह से ये तैयारी हो रही है, आइए चलते हैं, लोगों से बात भी करेंगे और देखते भी हैं। कुछ साथियों की ज़िम्मेदारी जो है ये पर्दे लगाने की, कुछ जो है साथियों की जो है सफाई की है, और भी तकरीबन ये पानियों के बाथरूमों के काम वगैरह हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून आता है हमारे को ये काम करते हुए। जब घर से यहाँ पर आते हैं तो वापसी घर जाने का दिल नहीं करता। इज्तिमा आते हैं ना जब भी, तकरीबन पूरे साल ही हमारे को जो है ना इस इज्तिमा का इंतज़ार रहता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज हमारे दूसरे दिन है कि आम आया तो आवाम को देखता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सारे बाथरूम में कम्प्लीट हो गया, सफाई कम्प्लीट हो गया, कैंटीन भी बन गया, पार्किंग भी मुकम्मल हो गया, पीने का पानी भी मुकम्मल हो गया, सफाई भी मुकम्मल हो गया। जी ये हमारी तो ज़िम्मेदारी है, अमीर साहब के साथ हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है, सफाई का काम है फिलहाल। तमाम सालाना इज्तिमा होता है और आप देख रहे हैं कि हमारी बैक साइड तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ चपातियाँ पक रही हैं, वहाँ तंदूर है और इस साइड भी तंदूर है। और सालाना जब इज्तिमा होता है तो लाखों मुसलमान यहाँ पर आते हैं इज्तिमाई तौर पर, और अल्लाह पाक के लिए हम राज़ी करने के लिए जमा होते हैं। यहाँ आपको हर पाकिस्तान के अंदर 4 सूबों के लोग मिलेंगे, पाकिस्तान से 4 सूबों के लोग मिलते हैं और हर तरह के खाने मिलते हैं।